तो 21 जून से बिग बॉस OTT सीजन 3 आने वाला है और बिग बॉस OTT सीजन 3 में बहुत कुछ बदलेगा, जो लोगों ने नहीं सोचा होगा वो भी होगा इस बार। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं इस बिग बॉस OTT सीजन 3 में और सलमान खान का क्या रिएक्शन आया है अनिल कपूर को एज अ न्यू होस्ट देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपडेट, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ तो मुनावर फारूकी ने बताया कि बिग बॉस OTT सीजन 3 आप देख पाओगे जियो सिनेमा पर ₹29 के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर, यानी कि इस बार आपको ये वाला जो सीज़न है वो फ्री में देखने को नहीं मिलेगा। जैसा आपने OTT सीज़न 2 देखा था, आपको ₹29 का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ₹29 के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आप 24 आवर्स देख सकते हो बिग बॉस के घर में क्या चल रहा है। और अगर आप ₹29 पे कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ तो प्रीमियम मिलेगा। तो वही चीज़ इस बार बिग बॉस OTT सीजन 3 में ऐड करी गई है। जनता का पावर बढ़ा दिया गया है, जनता इस बार कंटेस्टेंट से इंटरैक्टिव कर सकती है। यानी कि पहले आप लोग खाली एलिमिनेशन और वोटिंग पर ही कंट्रोल कर सकते थे कि कौन से कंटेस्टेंट को वोट किया जाए ताकि वो एलिमिनेट ना हो और किस कंटेस्टेंट को एलिमिनेट किया जाए, लेकिन इस बार जनता अपने हिसाब से टास्क भी करवा सकती है कंटेस्टेंट से। किस टाइप से करवाएगी? सपोज करो कि ये 24/7 बिग बॉस है, आपके पास 4 सामने आ गए कि टास्क इस टाइप से करवाने और इन कंटेस्टेंट से करवाने, तो जिसको ज़्यादा वोटिंग मिलेगी, जिस पर ज़्यादा टैप किया जाएगा, क्योंकि वो फीड तो 24/7 चलती रहेगी, तो उस हिसाब से टास्क किए जाएंगे, उस हिसाब से कंटेस्टेंट टास्क करेगा और उसी हिसाब से ये वाला जो शो है वो चलेगा। तो जनता को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि वो भी एक पार्ट बनेगी इस बार बिग बॉस टीम का। आपको बताऊं, मुझे एक चीज़ पता चली है कि इस बार जनता भी डिसाइड करेगी कि कौन सा कंटेस्टेंट कौन सा टास्क करेगा। मतलब बिग बॉस की टीम में इस बार जनता है। सी आई थिंक द वे वोटिंग हैपेंस राइट, बहुत सारे लोगों ने देखा है वोटिंग कैसे होती है, वोट करते हैं किसको बचाना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं बिकॉज एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लोगों की राय जानी जा सकती है। So I think this is the mechanism which we are looking at for figuring out ki what people want, what audience want to do, and we can see how do we make this happen in the house. So I think this is the attempt, and I would really request you to and all the audience to wait and watch. वही प्रेस कॉन्फ्रेंस जब आगे बढ़ती है तब मुनावर फारूकी अनिल कपूर से पूछते हैं, सर आप किस किस चीज़ों के बिना नहीं रह सकते हो? तब अनिल कपूर कहते हैं कि मैं फ़ोन के बिना भी नहीं रह सकता, फ़ोन आज की डेट में नेसेसरी चीज़ है। तो मुनावर फारूकी कहते हैं, नहीं सर, लेकिन बिग बॉस में तो फ़ोन नहीं मिलता। तब अनिल कपूर ने हिंट दे दिया कि इस बार शायद से फ़ोन भी मिल सकता है कंटेस्टेंट को बिग बॉस के अंदर, क्योंकि उन्होंने बोला कि नेवर से नेवर, और उन्होंने हिंट दे दिया कि फ़ोन मिल सकता है। तो ये भी एक नई चीज़ ऐड करी है इसमें। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग जेठवानी को बुलाया जाता है और वो मैजिक करते हैं अनिल कपूर के साथ, और अनिल कपूर का क्या रिएक्शन होता है मैजिक देखने के बाद आप खुद ही देख लीजिए। डेंजल वॉशिंगटन, यस ऑफ कोर्स, या डेंजल वॉशिंगटन, एग्जैक्टली, दैट इज द नेम सर। हाउ डू यू नो दैट? थैंक यू सो मच। चिराग के लिए जोरदार तालियां दोस्तों, क्या कर रहे हो? वहीं अनिल कपूर से रिपोर्टर ने ये पूछा कि सर अगर आपको बिग बॉस के शो में जाना हो तो क्या आप जाना पसंद करोगे, आपके साथ आप किन को कंटेस्टेंट के रूप में देखना चाहोगे? तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि अगर मैं आज की डेट में 30 ईयर्स ओल्ड होता, लेकिन उन्होंने बताया कि अगर आज मेरे को एट प्रेजेंट इस एज में अगर बिग बॉस में जाना हो तो मेरे साथ कंटेस्टेंट होंगे करण जौहर, कपिल शर्मा, सलमान खान, वहीं हमारे होस्ट होंगे अमिताभ बच्चन। आई वुड लव व्हेन आई वाज 30 इयर्स ओल्ड टू बी द वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, यू नो, एंड अभी मौका मिले तो मैं कपिल शर्मा, सलमान साहब एंड करण जौहर और मैं, हम चारों को जाना चाहिए, हम चारों को पार्टिसिपेंट होना चाहिए। आप पूछेंगे नहीं उसका होस्ट कौन होगा? अमित जी। वहीं अनिल कपूर को थोड़ा सा गुस्सा भी आया था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मुनावर फारूकी ने बोला था कि सर मीडिया वाले ऐसा छाप रहे कि अनिल कपूर ने रिप्लेस कर दिया सलमान खान को। तो अनिल कपूर ने एकदम से कहा कि नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत है, वो रिप्लेसेबल ही नहीं है। वहीं अनिल कपूर भी रिप्लेसेबल नहीं है, वो उनकी जगह पे बहुत सही है, मैं अपनी जगह पे सही हूँ। जैसे कि मुनावर फारूकी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, वैसे अनिल कपूर को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता और सलमान खान को भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और सलमान खान काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और काफ़ी ज़्यादा खुश है मुझे एज ए न्यू होस्ट देखने के लिए। AK ने सलमान खान को रिप्लेस कर दिया। मुनावर, यह बहुत ही गलत सवाल है। गलत है, मैं जानता हूँ। सलमान को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता और अनिल कपूर को भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। क्या बात है, सिंपल।
Am I right or wrong? Yes, yes, perfect. But क्या भाई थे excited? भाई 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 बहुत खुश हैं. मैंने मेरी उनसे बात भी हुई. He's very excited कि मैं non-fiction कर रहा हूँ. तो he's very happy. और बाकी अगर तू controversy create करना चाहता है तो मैं तो बहुत भागता हूँ दूर. वहीं उन्होंने ये भी रिवील किया कि सलमान खान ने उनको कहा है कि अगर कोई टेढ़ा वेढ़ा कर. वहीं सलमान खान ने अनिल कपूर को ये भी टिप, भाई उनसे पूछा गया कि आपको किसी ने टिप दिए, तो उन्होंने ये बताया था कि सलमान खान ने टिप दिए, अगर कोई उल्टा सीधा कंटेस्टेंट आ जाए नहीं संभले तो मुझे बताना, अपन दोनों मिलके ठीक करेंगे. वहीं सलमान खान अनिल कपूर से भी ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि अनिल कपूर इस शो को होस्ट कर रहे हैं. वहीं जब प्रेस वाले ज़्यादा सवाल पूछने लग गए थे तो मुनावर फारूकी ने कहा कि बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं. तब भी अनिल कपूर को थोड़ा सा गुस्सा आया था, उन्होंने बोला भाई मुनावर तू गड़ जा, लेकिन अभी तो मामला गर्म हुआ, अब तो अनस्क्रिप्टेड क्वेश्चन आने लगे, ये तो पूछने दो इनको. थैंक यू सो मच मैम, नो क्वेश्चन, सॉरी सॉरी सॉरी. अरे क्या जल्दी है यार, मेरे को घर जाना. तू घर चला जा, चल घर जा, जा. आ, अभी तो गर्म हो रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस यार, पहले तो स्क्रिप्टेड चल रहा था, अभी अनस्क्रिप्टेड है, और अनस्क्रिप्टेड में जो मजा है वो स्क्रिप्टेड में नहीं है. वहीं आलोक जी से ये पूछा गया कि था कि सर आपने अलग अलग देश के अलग अलग कोने से कंटेस्टेंट को बुलाया, लेकिन क्यों कभी आपने बॉलीवुड के मेगा स्टार को कंटेस्टेंट के रूप में बिग बॉस में नहीं बुलाया, जैसे कि सलमान खान, अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान. तो उन्होंने जवाब दिया कि इतना अफोर्डेबल नहीं होगा इनको इन शो पर लाना और शो को रन करना, ये जो स्पॉन्सर्स मिलते हैं हमको उनसे हम यही अफोर्ड कर पाते हैं, और न ही इनके पास इतना टाइम है कि वो बिग बॉस में आकर के कंटेस्टेंट के रूप में इस शो में आए. तो बस यही कुछ चेंज होने वाला है इस बार बिग बॉस OTT सीजन 3 में. तो आप क्या इस शो को देखने के लिए एक्साइटेड हो? 21 जून से रात को 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और 24/7 ये चलेगा. तो आप आपके फ़ोन में बेडरूम में कौन है, बाथरूम में कौन है, कौन क्या बात कर रहा है, कौन क्या गॉसिप कर रहा है, रसोड़े में कौन था, किसके साथ कौन था रसोड़े में, सब कुछ आपको पता चल जाएगा. वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. थैंक यू सो मच गाइज़.